हाय दोस्तों, आप लोग के लिए मैं बिहार बोर्ड मैट्रिक वाले जो इंटर में एडमिशन लिए हैं उसका जो ऑनलाइन जिसमें कराने गए होंगे, आपका फ़ोन नंबर पासवर्ड आएगा। अगर आप पासवर्ड को डिलीट कर दें अपने मैसेज से, और अगर आपने पासवर्ड आया नहीं है, पासवर्ड अगर भूल गया या डिलीट हो गया, आपको पता नहीं है, तो आप उसका सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं। दोस्तों देखो, मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ कि जो आप इंटर में कॉलेज में जाएंगे तो उसका मेरिट लिस्ट निकलेगा। तो मेरिट लिस्ट आपका मोबाइल नंबर और जो पासवर्ड है जिसमें ऑनलाइन कराते समय आपका गया होगा उसी से डाउनलोड करके निकलता है। तो आपका पासवर्ड अगर मालूम नहीं है कि आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं, तो मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि आपने पासवर्ड कैसे फॉरगेट कर सकते हैं और उसके कैसे क्रिएट कर सकते हैं नया पासवर्ड। तो मेरा इस वीडियो में मैं पूरा बताने वाला हूँ। तो अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे अगर नया आया है, तो दोस्तों जो सब्सक्राइब वाले बटन दिख रहे हैं तो इस पर आप क्लिक कर ले एक बार फट देने एक सेकंड में, और बेल आइकन भी दबा ले और एक लाइक कर दे दोस्तों जैसे कि मैंने किया, और शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके जितने भी आपके दोस्त हैं जो भी इस बार मैट्रिक एग्ज़ाम दिए हैं दोस्तों, तो उसे आप शेयर कर दें ताकि वो भी अपने इसको कर सके। तो दोस्तों चलो मैं बताता हूँ इस वीडियो में कि आप अपने ओएफएसएस मैट्रिक वाले जो इंटर में एडमिशन लिए हैं उसका पासवर्ड फॉरगेट कैसे करते हैं। तो सिंपली आपको सेटिंग में जाना है दोस्तों। सेटिंग में जाने के बाद सेटिंग नहीं है वो, आपका होम स्क्रीन पे आ जाना है दोस्तों। होम स्क्रीन पे आ जाना है, और होम स्क्रीन पे आने के बाद आपको सिंपली क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है। जैसे कि मैंने क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है। क्लिक करते ही आपको सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा, आपको यहाँ सर्च करना है OFSS। तो दोस्तों OFSS सर्च करने के बाद आपको इंटर वाले बटन पे क्लिक करना है दोस्तों। तो कुछ ऐसा आपके सामने इंटरफेस खुलेगा। तो दोस्तों देखो, यहाँ लिखा आ रहा है OFSS ऑनलाइन फैसिलिटेशन सिस्टम फॉर, तो आप इस पर भी क्लिक कर सकते हो, और जो स्टूडेंट लॉगिन है आप इस पर भी क्लिक कर सकते हो। तो मैं सिंपली स्टूडेंट लॉगिन पे ही क्लिक करना पड़ेगा, इसको खोलिएगा। तो मैं बता देता हूँ, देखो दोस्तों आपको सामने को अगर स्टूडेंट लॉगिन ना आए तो सिंपली आपको ऐसे करना है, इस पर क्लिक करना है, और सिंपली जो थ्री लाइन डॉट दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है, इस पर क्लिक करना है। और जो स्टूडेंट लॉगिन है दोस्तों, स्टूडेंट लॉगिन इस पर आपको एक बार सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुलेगा लॉगिन करने के लिए कहेगा, तो आप सिंपली एक बार इस पर क्लिक कर लेना है जैसे कि मैंने किया दोस्तों। अब सिंपली आपको अपना इसको लॉगिन कैसे करना है दोस्तों, आपको तो मालूम नहीं है पासवर्ड क्या है पासवर्ड, तो मैं इसको फॉरगेट करता हूँ दोस्तों। यहाँ जो नीचे नज़र आ रहा है आपको फॉरगेट वाले ऑप्शन पे आपको एक बार सिंपली क्लिक करना है जैसे कि मैंने किया। क्लिक करते ही आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा, आप जो जिसमें ऑनलाइन कराने गए थे जहाँ भी कोई भी दुकान पे, तो आपका जो मोबाइल नंबर पूछा गया था जिस पर OTP आया था, आप इस पर मोबाइल नंबर जो लिया था वो मोबाइल नंबर डालें, और मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको जनरेट OTP जो दिख रहा है दोस्तों, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने कुछ एक कोड आएगा, वेरिफिकेशन कोड, तो मैं करके दिखाता हूँ लाइव। तो मैं थोड़ा वीडियो को पॉज कर रहा हूँ, अपना नंबर डाल लेता हूँ। हाँ तो देखो दोस्तों, आपके सामने कुछ भी ऐसा मैसेज आएगा, मेरा भी देखो OTP आया है, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ दोस्तों। अगर आप में कॉपी ना, तो आप सिंपली लिख भी सकते हो। तो मैं कॉपी कर लिया, इसको पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद आपको सिंपली सबमिट वाले बटन पे क्लिक करना है जैसे कि मैंने किया। सबमिट वाले बटन पे क्लिक करते आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा। अब देखो दोस्तों, आपको इस पर कोई भी अपना मर्जी से पासवर्ड डालोगे तो लेगा नहीं, तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पढ़ भी सकते हो, कंडीशन इसका नोट दे रखा है। तो आपको कैसे कैसे करना है तो सिंपल मैं बताता हूँ दोस्तों। आपका जो भी अगर नाम है तो आपने पहले कैपिटल लेटर में डालना है कोई सा भी वर्ड एक, जैसे कि मेरा नाम तबरेज है, तो मैं कैपिटल लेटर में पहले T डाल रहा हूँ, उसके बाद सब स्मॉल लिखना है। तो मैं तबरेज लिख दिया दोस्तों। उसके बाद कोई नंबर चूज करना है, आपको नंबर चूज करना है दोस्तों 1, 2, 3। चूज करने के बाद दोस्तों सिंपली आपको एक एडर रेड वाला ऑप्शन दिखेगा, एडर रेड चूज करना है आपको, और एक हैश चूज करना है दोस्तों। और चूज करने के बाद जो ऊपर डाले हैं पासवर्ड वो भी आप नीचे डाल दें, नीचे डालने के बाद आप सबमिट कर दें, तो बस सिंपली आपका पासवर्ड चेंज हो चुका रहेगा दोस्तों। मैं 200% गारंटी देता हूँ, 100% हो जाएगा दोस्तों। आपको अगर विश्वास है तो आप चेक कर लो। तो मैं आप सिंपली आपको लॉग इन करके दिखा देता हूँ दोस्तों। तो मैं अपना लॉगिन करके दिखा दे रहा हूँ, 1 सेकेंड।
हाँ तो दोस्तों आपका अगर पासवर्ड चेंज हो गया है तो दोस्तों सिंपली आपको लॉगिन करने के लिए दोस्तों आपको वही वाले ऑप्शन पे जाना है, बैक कर लेना वहाँ से, यहाँ पर लॉगिन वाले क्लिक करना है दोस्तों। तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा, आप अपने यहाँ मोबाइल नंबर डाल दीजिए, जो पासवर्ड आप लिखे हैं, जो नया पासवर्ड डाले हैं वो डाल दीजिए, और जो कैप्चर आपको नज़र आ रहा है वो कैप्चर आपको यहाँ फिल करना है दोस्तों, और यहाँ पर सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। तो देखो दोस्तों मैं लॉगिन हो गया हूँ, आप भी लॉगिन हो जाएंगे ऐसा। तो अभी इंटर वाले को, मैट्रिक वाले को जो इंटर में एडमिशन लिए हैं तो उसका मेरिट लिस्ट अभी आया नहीं दोस्तों। अगर मेरिट लिस्ट आए तो आप यहाँ पर जो लॉगिन किए हैं जैसे, तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिख रहा है, 4-5 ऑप्शन दिख रहे हैं, एक और ऑप्शन आ जाएगा, लिखा आएगा मेरिट लिस्ट, मेरिट लिस्ट लिखा आएगा, तो इंटरमीडिएट मेरिट लिस्ट, उस पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर लीजिएगा और चेक कर लीजिएगा कि मेरा किस कॉलेज में। तो दोस्तों टेंशन ना लें, मैं अगर मेरिट लिस्ट निकलेगा तो मैं उस पर भी वीडियो बना लूँगा। तो दोस्तों बस सिंपली यही करना है, और मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आप बेल आइकन ज़रूर दबाना ताकि हर वीडियोज़ मैं अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ।